तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज पहली बार ड्रोन उड़ाएंगे और वो भी 15 अगस्त पे। हम ड्रोन के साथ फ्लाई कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे और ये देखो आरव लगा हुआ है शरारते करने। हम इतनी धूप में पी रहे हैं गन्ने का जूस। हाँ, वेरी चलाक ब्रो, ये तो पास हो जाएगा वो। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो आज हम सारे आए हैं 15 अगस्त के मौसम में और हम यहाँ पे उड़ाएंगे झंडा और ड्रोन के साथ। और मेरे साथ हैं प्रदीप जो कि मेरे साले हैं, और मेरे मम्मी जी, और सीमा, दिवांशी और चिट्टू। तो आज हम ड्रोन उड़ाएंगे और आपको ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं आज, क्योंकि उस दिन ड्रोन उड़ा नहीं था तो मैंने सोचा चलो आज उड़ाते हैं। और यहाँ पे खुली जगह भी है तो हम पार्क में आए हैं। गाइस, हमने सोचा कि चलो फर्स्ट टाइम हम इसको इंडिपेंडेंस डे पे ही करके देखते हैं ट्राई, तो वो चलो आप सबको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज पहली बार ड्रोन उड़ाएंगे और वो भी 15 अगस्त पे और फ्लैग के साथ। तो देखते हैं उड़ता है कि नहीं। चलो चलते हैं। गाइज, आप देख रहे हो अश्विनी जी यहाँ बैठ के ड्रोन को फ्लाई करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी मुशक्कत के साथ जुड़े हुए हैं। आज इंडिपेंडेंस डे के दिन फ्लैग को हम ड्रोन के साथ फ्लाई कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर ले लिए हैं शॉर्ट्स और अब हम आगे जाएंगे। तो ये आरव देखो बहुत शैतानी कर रहा है यहाँ पर, और ये इसने पूरी रात तूफान में लाई है। ये देखो ये कह रहा है कि मैं पहले फोटो खिंचाऊंगा। को इसने परेशान करके रख दिया लड़कियों को। तो प्रदीप जी दूसरी जगह चले फिर लोकेशन पे। ओके, तो चलते हैं फिर आपको दूसरी लोकेशन दिखाता हूँ मैं। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन और ये देखो आरव लगा हुआ है शरारते करने। तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं दूसरी लोकेशन पे जो कि मम्मी जी ने बताया मुझे कि यार वो भी लोकेशन अच्छी है, तो वहाँ चलते हैं और आपको वहाँ के भी शूट दिखाता हूँ जाकर। तो यार रास्ते में चलते चलते मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखी जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बना हुआ है मेडिटेशन पार्क जो कि आप देख सकते हो, कितने अच्छे स्टैचू रखे हुए हैं यहाँ पर जो कि मेडिटेशन कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा बना हुआ है, तो इस रास्ते को ही देखता रहता है, कितना अच्छा रास्ता है ना। हम इतनी धूप में पी रहे हैं गन्ने का जूस और आरव खा रहा है आइसक्रीम। तो यार यहाँ पर गर्मी बहुत है। तो अभी धूप की वजह से हमारा प्लान हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर ना धूप बहुत है और हम सोच रहे हैं कि यहाँ से निकले, गर्मी बहुत है, तो शाम को फिर निकलेंगे। आरव लगा हुआ है आइसक्रीम खाने। क्या चिट्टू ने भी ले लिया आइसक्रीम, और दिव्यांशी आपने आपने कुछ नहीं किया? बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी है यार गाइस यहाँ पर बहुत ज्यादा। A few moments later. तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं घर, अभी बज रहे हैं शाम के 6 और यहाँ आरव लगा हुआ है गेम खेलने। वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी थी तो हमने सोचा चलो घर चलते हैं, हमने फिर दोबारा से गेमिंग अपनी शुरू कर दी है।
और बोल रहा है पापा मैं फिर दोबारा से शूट करूंगा। तो आरव रेडी हो खेलने के लिए? तो चलो करो, दिखाओ मेरे को कैसे लगाओगे। ओ नहीं लगा। वो ऑसम भाई, इसने ये तो घेर दिया है। तो फ्रेंड्स मैंने ना इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया है, अब ये थोड़ा दूर से खेल रहा है, तब करके इसकी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है, बट ये फिर भी कोशिश कर रहा है। ओ अरे यार मैं तो बोल ही रहा था, अभी इसने घेर भी दिया। तो इसने दो घेर दिए हैं और चार रह गए हैं, और फिर दोबारा से लगाएगा ट्राई। यस नहीं लगा। ध्यान से खेलो, अब ध्यान से नहीं खेल रहे हो, अब आप भूल गए हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं ना करते आप, अब इसीलिए हो रहा है ये। ध्यान से करो ना। ओ वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर तीन गिर गए हैं और तीन रह गए हैं। अरफ नेक्स्ट कौन सा आप उड़ाओगे? स्पाइडरमैन। चलो स्पाइडरमैन को उड़ाओ, अब देखते हैं उड़ाता है कि नहीं। ध्यान से। जहां तक मुझे लगता है ना वो पीछे से आके लगी थी इसके। तो चलो कोई बात नहीं, अब ये दो रह गए, दो उड़ा के दिखाओ। चलो हाँ। चलो फटाफट करो अब। अरब नेक्स्ट टारगेट क्या है आपका? ब्लैक। तो चलो देखते हैं ब्लैक को उड़ाता है कि नहीं। ध्यान से। ओ वेरी गुड बिंगो, यस। तो चलो ये भी उड़ गया। अब लास्ट टारगेट है आपका, लास्ट उड़ाना है आपने इसको। क्या बोल रहे हो? कोई बात नहीं बेटा, नाम तो मुझे भी नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, एनीवेज आप उड़ाने पे वो रखो कॉन्सेंट्रेट। तो लास्ट फिर नहीं चला। लास्ट आप खेल रहे हैं आरव, यस ये भी नहीं उड़ा। भाई आरव तो आज खेल नहीं पा रहा है, आरव ने आज इतने अटेम्प्ट ले लिए और इसके बाद ये इसे उड़ा नहीं पा रहा है, तो क्योंकि इसका डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बोल रहा है अच्छा मतलब मैं सोफे को इधर कर दूं फिर करोगे आप? तो फिर तो ये पास हो जाएगा, फिर कैसे करोगे? हाँ वेरी चलाक ब्रो, फिर तो पास हो जाएगा वो। A few moments later. यार मैं तो थक गया आज, आरव पता नहीं क्यों खेल नहीं पा रहा है। आरव बस यार लास्ट उड़ाओगे? तो यार ये नहीं हम मानेगा यार, भाई ये लास्ट है, अब आज लास्ट अच्छे से खेलना, फिर इसके बाद नहीं मैं दिखाऊंगा। हिल रहा था पर उड़ा तो नहीं ना, तो वहीं पर ही है। तो फ्रेंड्स आरव बहुत ज्यादा खेल लिया है, अभी से नहीं हो पा रहा है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही था बस। और आई नो ये वीडियो थोड़ी सी छोटी बनी है और मैं कुछ दिखा नहीं पाया आपको ज़्यादा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। ले बता अब तो मैंने एंड कर दी थी और अब आपने उड़ा दिया।